तो दोस्तों आज का ये डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार होने वाला है और आप इसे अपने लिए एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या क्या मटेरियल लिया हुआ है। एक तो लिया है दोस्तों सबसे पहले एंकर थ्रेड धागा, ये धागा मार्केट में आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक मैचिंग कपड़ा लिया है जिसपे हमने दोस्तों पेपर फ्यूजिंग भी चिपका ली है और इसका साइज़ दोस्तों 15x15 का है। साथ ही दोस्तों मैचिंग कपड़े की ही हमने एक डोरी बनाई हुई है जो कि आपको भी बनानी होगी। अब दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पैटर्न को जो ये हमने पेपर फ्यूजिंग पे चिपकाया हुआ है इसे हम इस तरीके से उल्टा करके पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद में दोस्तों इस पे प्रेस से 20 सेंटर की क्रीज इस तरह से बना लेंगे और बनाने के बाद दोस्तों आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस पे एक सीधी सिलाई लगा देंगे बंद वाली साइड पे। खुली वाली साइड तो ये है और बंद वाली साइड ये है, तो पहले हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी मार्किंग करनी है इस सिलाई से बाहर की तरफ उधर की तरफ को करनी है। तो हम लगाते हैं मार्किंग, तो ऊपर की तरफ जो हमारी चौड़ाई रहेगी पैटर्न की वो रहेगी 12 इंच, तो 12 इंच का आधा करके हम यहाँ पर अपना 6 इंच पर मार्क लगा देते हैं इस तरीके से। और नीचे की तरफ इसकी लंबाई रखेंगे दोस्तों हम 14.5 इंच, तो यहाँ पर हम अपना 14.5 इंच पर मार्क इस तरीके से लगा देते हैं। और लगाने के बाद ये इस सिलाई से ही इधर की तरफ 8.5 का आधा करते हुए 4.25 पर इस तरीके से मार्क लगा देंगे। अब हम इस निशान से इस निशान को क्रॉस करते हुए मिला देंगे, तो ये हमने मार्किंग कर दी है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो मार्किंग आपने की है इस मार्किंग से बाहर की तरफ 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हो गई हमारी मार्किंग। तो दोस्तों अब हम अपने इस पैटर्न पे एंकर थ्रेड धागे का यूज़ करेंगे। तो एंकर थ्रेड धागे को यूज़ करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपनी मशीन की जो डब्बी होती है उस डब्बी में जो बॉबिन लगती है उस बॉबिन में आपको एंकर थ्रेड धागा भर लेना है। और भरने के बाद जब आप अपनी मशीन में डब्बी लगाएंगे तो डब्बी का थोड़ा सा पेच ढीला कर लें क्योंकि धागे की सेटिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इसे नीचे हमने लगा लिया है और लगाने के बाद दोस्तों अपने पैटर्न को इस तरीके से उल्टा करेंगे। उल्टी तरफ हम जब सीधे सिलाई लगाएंगे तो सीधी तरफ हमारे एंकर थ्रेड धागे की सिलाई आ जाएगी। तो हम सिलाई किस प्रकार से लगाएंगे दोस्तों, जो ये हमने अपना 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ है इसी मार्जिन पे पहली सिलाई हम लगाएंगे और मार्जिन छोड़ते हुए ये देखिए दोस्तों एंकर थ्रेड धागे की जो सिलाई है वो कुछ इस प्रकार से आती है। इसके बाद दोस्तों हम फिर से इसी सिलाई के बराबर में एक सिलाई और लगाएंगे लेकिन जो दूरी रहेगी वो रहेगी 1/4 इंच की। इस प्रकार से दोस्तों हम 6 सिलाइयां इधर और 6 सिलाइयां इधर लगा देंगे। तो ये हमने अपने एंकर थ्रेड धागे की सिलाइयां कुछ इस प्रकार से लगा ली हैं और लगाने के बाद दोस्तों पैटर्न को फिर से हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद में अपने नेक की लंबाई का और चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो हमारे नेक की जो चौड़ाई रहेगी दोस्तों वो रहेगी 9 इंच और 9 इंच का हाफ करके 4.5 इंच पर ऐसे मार्क लगा लेंगे। लंबाई रहेगी दोस्तों 5 इंच, 5 इंच से हम इस तरीके से एक बोर्ड नेक की सेफ दे देंगे। ये हमने सेफ दे दी है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो आपकी सिलाई लगी है इस सिलाई से एक सेफ नीचे की तरफ 2 इंच का एक निशान लगा लें पहले इस तरीके से, और निशान लगाने के बाद में एक हल्की सी वी शेप का निशान लगा देना है। ये देखिए ये हमने निशान लगा दिया है, ऐसा ही सेम निशान हम अपनी दूसरी साइड पर भी छाप लेंगे। छापने के लिए दोस्तों इस तरीके से हम इसे खोलेंगे और खोलने के बाद इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे सही से मिलाकर और इस पर हाथ मारेंगे जिससे कि हमारे निशान दूसरी तरफ छप जाएंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो आपने सिलाई लगाई है इस सिलाई को खोल देना है और जो पैटर्न का बीच में जॉइंट है इसको भी अलग अलग कर देना है कैंची की मदद से। तो दोस्तों ये हमने अपनी सिलाई खोल दी है और खोलने के बाद में पैटर्न को फिर से डबल फोल्ड करके बीच में कैंची डाल के इसे अलग अलग कर देते हैं। ये हमने इसे 2 भाग में कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो दोनों पीस अलग हुए हैं इनमें से एक पीस ले लेना है जो कि आपके राइट हैंड पर आता है। ये पीस हमारे राइट हैंड पर आता है तो इसको हम ले लेते हैं और एक को अलग रख देते हैं। अब लेंगे हम अपनी डोरी, डोरी के दोस्तों हम छोटे छोटे पीस बना लेंगे, मतलब के 2-2 इंच के
पीस बनाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो ये अपने गले की मार्किंग की है, इस गले की मार्किंग के नीचे की तरफ आपको इसमें एक एक इंच के मार्क, जैसे यहाँ पर एक तो ये हो गया, तो ये मार्क हम सीधी तरफ उठा लेते हैं। उठाने के बाद इस निशान से दोस्तों एक एक इंच की दूरी पर आपको ये डोरी फिट करनी है। तो कैसे करनी है, इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में डोरी का जो गोलाई वाला हिस्सा है वो पैटर्न के इधर की तरफ रहेगा और जो मार्जिन वाला है वो इधर की साइड रहेगा। और जो ये मार्जिन छोड़ा है दोस्तों, इस मार्जिन को छोड़ते हुए ही आपको इसको अटैच करना है। देखिए, इस मार्जिन से आपको आधा इंच अपनी लुप्पी को आगे की तरफ निकालना है, तो इसको हम यहाँ पर अटैच करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी जो डोरियाँ हैं वो कुछ इस तरीके से अटैच कर ली हैं। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, वो पैटर्न जो आपने रखा था अलग, इसको दोबारा ले लेना है वापस, और वापस लेने के बाद में जिस तरीके से इसको बीच में से काट के अलग किया था वैसे ही सेम हम इसको इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और सेम मार्जिन लेते हुए इसको सिलाई से अटैच कर देंगे फिर से। तो ये देखिए, हमने अपने पैटर्न को अटैच कर दिया है और अटैच करने के बाद में लुप्पियाँ जो है वो कुछ इस प्रकार से आ गई हैं। इन लुप्पियों का जो रुख है दोस्तों इस वाले पैटर्न पे आना चाहिए, तो इसके लिए आप अपने मार्जिन को इस तरीके से फोल्ड कर लें नीचे से। तो ये हमने मार्जिन फोल्ड कर दिया है और अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या काम करना है, जो ये आपने मार्जिन छोड़ा है इस मार्जिन को प्रेस की मदद से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। देखिए दोस्तों, हमने अपने पैटर्न को चारों तरफ से फोल्ड कर दिया है और फोल्ड करने के बाद में इसका लुक जो है देखिए बहुत ही खूबसूरत आ गया है। इसके बाद दोस्तों हम अपने इस पैटर्न को कुर्ती में अटैच करेंगे। तो कुर्ती में अटैच करने के लिए दोस्तों हम लेंगे अपनी कुर्ती और कुर्ती को इस प्रकार से खोलेंगे, और खोलने के बाद में दोस्तों ये तो है हमारा कुर्ती का सीधा भाग और ये है उल्टा भाग। उल्टे भाग के ऊपर हम अपने नेक को अटैच करेंगे सबसे पहले। तो कैसे करेंगे, देखिए ऐसे करके हम 20 सेंटीमीटर में इसको रखेंगे मिलाकर, और मिलाकर रखने के बाद में जो ये हमने मार्किंग की है सेम मार्किंग पे हम इस तरीके से सिलाई को लगाएंगे। तो पहले 20 सेंटर में एक कच्ची सिलाई लगाएंगे जिससे कि हमारा सेंटर ठीक से बना रहे। तो ये हमने अपनी सेम मार्किंग पे सिलाई लगा दी है। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर का जो कपड़ा है थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए हम कटिंग कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम अपने इस पैटर्न को सीधी तरफ को पलटी मारेंगे। तो पहले हमें ये कोने भी फिनिशिंग के साथ निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक साइड का मार्जिन इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी तरफ का ऊपर का मार्जिन इसके ऊपर फोल्ड करेंगे और इसे कस के इस तरीके से अंगूठे से पकड़ के सीधी तरफ को निकाल देंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा ये कोना है निकल आया। इसी तरीके से दोस्तों अपने दूसरे कोने को भी निकाल देंगे और पूरे नेक को पलटी मारने के बाद फिनिशिंग से प्रेस लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने प्रेस लगा ली है और नेक का लुक देखिए आप दोस्तों कितना खूबसूरत आया है। उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आया होगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो ये आपका पैटर्न खुला हुआ है इस पैटर्न को चारों तरफ से सिलाई मारकर अटैच कर देना है। तो देखिए दोस्तों, पैटर्न को अटैच करने के साथ साथ हमने यहाँ पर अपनी डोरी के बीच में कुछ मोती भी लगा दिए हैं जिनकी मदद से हमारे जो नेक का लुक है बहुत ही खूबसूरत आ गया है। इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का ये नेक डिज़ाइन हुआ पूरा। आपको हमारा आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों अगर किसी कारण से नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com।